गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीए सेकेंड ईयर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर नोवल रिटन बाय जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडिस. ओके, प्राइड मीन्स जो हम कह सकते हैं अकर्ड, प्रेजुडिस मीन्स थिंकिंग, है ना. प्रेजुडिस का मतलब होता है नैरो थिंकिंग, है ना. किसी के लिए हमारी हम कुछ थिंकिंग बना लेते हैं और जो कि स्ट्रांगली नापसंद की थिंकिंग होती है और विदाउट एनी रीजन. सो जेन ऑस्टन स्टार्ट कर रही हूँ मैं. होप यू हैव बॉट दिस बुक, आपने खरीद ली है. एंड ये बुक को मैं स्टार्ट करवाने लगी हूँ. इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पार्ट है, उससे आगे जो सेकेंड है, सेकेंड टू लिखा हुआ है रोमन में, है ना, सेकेंड, उससे स्टार्ट कर रही हूँ. जेन ऑस्टन जो कि 1775 टू 1817 तक इसका टाइम पीरियड था, यानी 17 सेंचुरी में इसका बर्थ हुआ और 18th में इसकी डेथ हो गई. द राइटर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस लिव्ड अ क्वाइट लाइफ इन द ग्रीन एंड पैस्टोरल साउथ ऑफ इंग्लैंड बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. से पहले ये बहुत अच्छी पैस्टोरल मीन्स जो होती है, हम कह देते हैं गाँव की जिंदगी होती है, ग्रीन क्वाइट शांति वाली जिंदगी जी रही थी. हैड ऑल्टर्ड द लैंडस्केप, शी डिडंट ट्रेवल मच एंड रोड द एक्सपीरियंस ऑफ व्हाट शी सॉ अराउंड हर. उसने बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं किया, बस उसने अपने आसपास जो भी देखा उसी पे उसने लिखा. लाइफ इन अ स्मॉल इंग्लिश टाउन दोज डेज हैव अ स्मॉल पेस. उस टाइम पे छोटे छोटे जो टाउन्स होते थे उनमें जो जिंदगी थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड वाली नहीं थी जैसी आज है. मोस्ट ऑफ द रेजिडेंट न्यू ईच अदर, ज़्यादातर रेजिडेंट, जैसे आजकल तो हम देखते हैं ना साथ वाले घर में कोई रह रहा है हमें उसके बारे में ही नहीं पता होता, लेकिन उस टाइम पे क्या था, लोग एक दूसरे को जानते थे. द लैंडेड अपर क्लास फैमिलीज हैड लेजर एंड सोशल इंटरेक्शन लाइक पार्टीज, यू नो दिस थिंग. जो इंग्लिश लिटरेचर जिनके पास है उन्होंने पढ़ा होगा कि एरिस्टोक्रेसी क्लास होती थी जो, यानी रिच क्लास होती थी जो, वो एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी, इंट्रैक्शन करती थी. किसके थ्रू? पार्टीज होती थी, बॉल्स होती थी, पिकनिक्स होते थे, है ना. क्लॉथ्स एंड मैनर्स वर कंसिडर्ड. उस टाइम पे आपने क्या पहना है, आपकी क्या मैनर्स हैं, इनको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दी जाती थी. जेन ऑस्टन वॉज एन एक्यूट एंड अम्यूज्ड ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ह्यूमन बिहेवियर को इसने बड़ी बारीकी से देख के बताया है. एंड ऑल द सिक्स नॉवल्स शी रोट इन हर शॉर्ट लाइफ फॉर 20 ईयर्स कॉन्टिन्यू टू डिलाइट रीडर्स, है ना. इसकी जितने भी नॉवल्स हैं ऑल आर वेरी इंटरेस्टिंग because of her wit, humor and ability to weave a captivating story, है ना. इसकी जो stories हैं बहुत आपको पकड़ के रखती हैं, story बहुत captivative हैं. and love and marriages उसकी जो stories हैं उनमें theme होता है, जैसे इसमें भी marriage theme है. but if one reads carefully one notices many layers of irony. ironical situation भी इसमें बहुत ज़्यादा है. ironical situation क्या होती है, जो हम सोचते हैं उससे opposite हो जाता है. And then the very first sentence of the novel, Pride and Prejudice, illustrate this irony and set the tone for the novel. It is a truth universally, है ना. इसका सबसे पहली लाइन है जो इस नॉवल की आयनिकल स्टेटमेंट है, उसमें क्या बताया जा रहा है, इट इज़ अ ट्रूथ, कहते हैं ये सच है. यूनिवर्सली, यूनिवर्सली मतलब हर जगह पे, नॉट इन अ पर्टिकुलर कंट्री. एक्नॉलेज क्या, दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन, जो सिंगल मैन होता है उसके पास जो भी पोजेशन में है, ऑफ अ गुड फॉर्च्यून, जिसके पास बहुत सारी जायदाद है, मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ अ वाइफ, वो एक वाइफ की तलाश में होता है. वी नो एज द ऑथर, ये तो वैसे भी नेचुरल है, हमें पता ही है कि जो हमारी सोसाइटी है उसमें जो मैरिज है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. जब कोई पर्सन आना पढ़ाई लिखाई करता है, उसे जॉब मिल जाती है, देन उनके पेरेंट्स हैं वो ढूंढने लग जाते हैं लड़की या फिर लड़का. लेट अलोन अ यूनिवर्सल वन, द यंग मैन इन क्वेश्चन मे नॉट फील द वॉन्ट बट द सोसाइटी अराउंड हिम, है ना. इसमें क्या बताया हुआ है, देखो मैंने पहले ही बताया था, जो चीज़ हम वो करते हैं, देखो अब हमें पता है बहुत लोग शादी नहीं करवाते, है ना. एक्चुअल में ये सोसाइटी ने चीज़ें बना रखी हैं कि जब आप बड़े हो जाते हो आपको शादी करनी पड़ती है, फिर लड़की को दूसरे घर जाना पड़ता है. ये सारी क्या है, इम्पोज की हुई चीज़ें हैं, रीति रिवाज बनाए हुए हैं. असल में वो सोसाइटी आपको फील करवा देती है हाँ ये चीज़ की ज़रूरत है, बट वट यू फील दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट सोसाइटी फील दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई वी ऑलवेज डू द थिंग्स विच सोसाइटी लाइक, विच वी लाइक, वी फॉरगेट आवर सेल्फ. दैट्स वाई जो अपनी एग्जिस्टेंस होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम वो काम करते हैं जो सोसाइटी हमें चाहती है कि हम करें, है ना. लड़की और लड़के में कोई डिफरेंस नहीं है, बट सोसाइटी शुरू से ही ये प्रेजुडिस बनी हुई है, नैरो थिंकिंग बनी हुई है कि बॉय एज अ ब्रेड विनर ऑफ अ फैमिली,
गर्ल्स आर बर्डन ऑन फैमिली, है ना। तो ये चीज़ें बनी हुई हैं, है ना। हम इनको जितना मर्जी कह लें कि नहीं हम पढ़ लिख के ये चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे, इरेज कर देंगे, बट इट विल नेवर हैपन, क्योंकि सोसाइटी इज सोसाइटी। ये आपको ना आपके माइंड में खाने के लिए, जैसे पेट भूखा होता है ना, उसको खाने के लिए हम कुछ ना कुछ देते हैं, तो ये माइंड में आपके भरती रहती हैं, है ना। ये जो सोसाइटी है आपके माइंड में भरती रहती है कि नहीं ये चीज़ तुम्हें चाहिए, ये चीज़ तुम्हें चाहिए। एडवर्टीजमेंट्स होती है ना, तुम्हें जो चीज़ नहीं चाहिए वो एडवर्टीजमेंट्स आपको फोर्स कर देती है, नहीं दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इट विल मेक यू वेरी हैप्पी, इट विल गिव यू ग्लोइंग स्किन, इट विल गिव यू ग्लोइंग हेयर, दैट्स व्हाई वी फील कि नहीं नहीं इसकी हमें ज़रूरत है, जबकि हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर बिंगले है ना, मिस्टर डार्सी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो बैनेट फैमिली की हम बात करेंगे, बैनेट फैमिली हैं, उनकी चार बेटियां हैं, जिनमें से एलिजाबेथ है वो सेकंड नंबर पे है, एंड आई थिंक एलिजाबेथ सबसे बड़ी है। चलो देखते हैं, है ना। बस थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको देनी थी, वो मैंने आपको दे दी। जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है एक्चुअल में बहुत ही अच्छा नॉवल है, एक मूवी की तरह है, हम देखेंगे इसके बारे में। मीनाक्षी मुखर्जी ने ये छोटी सी बुक लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन, इसके चैप्टर हैं 21, धीरे धीरे करके हम पढ़ लेंगे। बैनेट्स ऑफ लॉन्ग बॉर्न, इसमें जो बैनेट फैमिली है वो लॉन्ग बॉर्न की फैमिली है। एक्चुअल में आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताई है, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही रीड करेंगे। सो इसमें बैनेट फैमिली है वो लॉन्ग बॉर्न जगह पे रहती है, तो उसके बारे में ये सारा नोवेल अपना स्टार्ट होता है। जो चैप्टर वन है उसको मैं रीड करने लगी हूँ। द बैनेट्स ऑफ लॉन्ग बॉर्न, क्या इसमें इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट अ सिंगल मैन इन पोजिशन ऑफ अ गुड फॉर्च्यून मस्ट बी इन वॉन्ट ऑफ वाइफ, हैव अ टाइटल नॉर द फीलिंग ऑफ सच अ मैन मे बी ऑन हिज फर्स्ट एंटरिंग नेबरहुड, ही कंसिडर्ड द राइटफुल प्रॉपर्टी ऑफ सम वन और अदर ऑफ द डॉटर्स ऑफ द सराउंडिंग फैमिलीज। माई डियर मिस्टर बैनेट, सेड हिज वाइफ टू हिम वन डे, हैव यू हर्ड दैट नीदर फील्ड पार्क इज लेट एट लास्ट। देखो मिस्टर बैनेट है, मिसेस बैनेट है, टू पर्सनस हैं, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। जो मिस्टर बैनेट है वो अपनी वाइफ को कह रहे हैं कि जो हमारे घर के पास नीदर फील्ड पार्क है वो खाली पड़ा था, तुम्हें पता है एट लास्ट वहाँ पे कोई ना कोई आ गया है। मिस्टर बैनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नो, नहीं, बट इट इज शी रिटर्न, फॉर मिसेज लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। मिस्टर बैनेट डिडंट आंसर, डोंट यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, है ना। कहते कि हाँ मुझे पता तो चला है वहाँ पे कोई ना कोई आया है। तो मिस्टर बैनेट कहता है कि तुम्हें नहीं जानना है कि वहाँ पे कौन रहता है। उसकी वाइफ कह रही है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पे कोई कौन आया है कौन नहीं आया। एक्चुअली में जो वाइफ है शी इज़ वेरी मच इन प्रॉब्लम कि उसकी जो बेटियाँ हैं उनके लिए लड़के मिल सके अच्छे, तो इसलिए उसकी वाइफ है मिस्टर बैनेट को बोल रही है कि डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट, जो नीदरफील्ड पार्क है वहाँ पे जो भी कोई रहने आया है वो कौन आया है, है ना। क्राइड हिज वाइफ, गुस्से में बोल रही है कि तुम्हें नहीं जाना है। यू वॉन्ट टू टेल मी, मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट, दिस हैज इनविटेशन, दिस वॉज इन्विटेशन इनफ। मिसेज लॉन्ग से दैट नीदरफील्ड इज टेकन बाय यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। अब बताया जा रहा है कि जो मिसेज लॉन्ग बता रही है, जो नीदरफील्ड है उसने बताया कि जो नीदरफील्ड है वहाँ पे एक यंग मैन आया है, लार्ज फॉर्च्यून, उसके पास बहुत पैसा है, वो नॉर्थ इंग्लैंड से आया है। दैट ही केम डाउन ऑन मंडे, को आया है टू सी द हाउस, देखा उसने, एंड ही वाज सो डिलाइटेड विद इट एग्री टू टेक पोजीशन इमीडिएटली। मंडे को उसने देखा और अब वो इमीडिएटली उसे घर पसंद आ गया, इमीडिएटली वो इस पर अपना मतलब रहने के लिए आना चाहता है। What is his name? वो पूछ रहे क्या है उसका नेम। बिंगले, बिंगले नाम का वो बंदा है। Is he married or single? क्योंकि उसकी बेटियाँ हैं तो उसे यही चीज़ की टेंशन है। ओ सिंगल माई डियर टू बी श्योर, कहते वो सिंगल है। अ सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्च्यून, सिंगल मैन है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, 4,000 or 5,000 a year. What a fine thing for our girls, कितनी अच्छी चीज़ है हमारी बेटियों के लिए। How so? What can it matter to them? लेकिन उनके लिए क्या मैटर है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पे ही छोड़ रही हूँ। वैसे इसके जो कैरेक्टर्स हैं उनको मैं कल आपको बताऊँगी। इसमें मिस्टर और मिसेस बैनेट की फैमिली हैं, उनकी 4-5 बेटियाँ हैं, और दूसरी तरफ नीदरलैंड जो पार्क है वहाँ पे एक लड़का अपना एक दोस्त के साथ रहने आता है। तो उनके सारे सबके बारे में आपको
कल डिटेल में ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर यू। इवन स्टूडेंट्स इसी यूट्यूब पे ना, जो पिछली बार जब लॉकडाउन लगाया तो मैं यही वाला प्राइड एंड प्रेजुडिस ही करवा रही थी, तो आप वहाँ पे जाके वीडियोस ढूंढ सकते हैं, लिख के सर्च कर सकते हैं मेरी यूट्यूब पे जाके, चैनल पे जाके, और वहाँ पे आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल भी जाएगी कि कौन कौन कैरेक्टर है। एंड वैसे भी मैं कल भी इसके बारे में आपको बताऊँगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ ये बुक आप खरीद लीजिए। एंड अगर आप नहीं भी खरीदना चाहते तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आप नोट्स बनाते जाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।